220 रुपए में आपको ये थाली इस प्राइस में कहीं और नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया में तो तवे पे रोटियां बनती है, मटका के आधा टूटा हुआ कैसे होता है? तोड़ा जाता है उसको, राजस्थान में बढ़िया चलता है। मैडम 100% पसंद आवे चीज देसी खिला रहा हूँ, ऐसे घसर पसर नहीं है। दाल बड़े चूरमा खड़ी गंबा भैया, इतनी बड़े बड़े साइज की रोटियां बन रही है, ये साइज यही रहता है यहाँ पे? सेम ऐसा ही रहता है मैडम। छोटी छोटी रोटियां क्यों नहीं बनती? चपाती वाली आता है ये बेजे रोटी है, गेहूं चना मिक्स घी लगा रहा है, सरस पाले से घी आता है बढ़िया, ये बाटी है घी में डाला रहता है बढ़िया, कंडे पर सेक के लाता है इसको घी में डालता है बढ़िया। ये बेसन गट्टे की सब्जी है, को तो राजस्थान की शान बोलते हैं। हाँ हाँ, ये दाल हो गया, हेलो दाल मिक्स। ये इतनी पतली क्यों है? पतली नहीं है भाई, बढ़िया ऐसे आता है, दाल बाटी के साथ ऐसा ही खाता है। ये करी हो गया, छाछ की करी बनता है पतली, ये राजस्थान की फेमस चीज है। ये आलू प्याज पनीर मिक्स आता है, सब्जी बनता है। मुझे बताओ ये जैसे आंटी रोटी बना रही है तो ये ताजी ताजी रोटियां बनेंगी? ताजे ताजे बनता रहता है। हमारे यहाँ दिल्ली में थोड़ा सा कम है कि जो खिलाते हैं ना वो इतने प्यार और इतने प्रेम भाव से खिलाते हैं कि मतलब बंदे का आधा पेट तो वैसे ही भर जाता है। यहाँ पे मतलब कंजूसी नहीं है किसी चीज की? नहीं नहीं नहीं, कोई चीज में कंजूसी नहीं। इसको तवे पे क्यों नहीं बना रहे? पूरी दुनिया में तो तवे पे रोटियां बनती है, और ये मटका के आधा टूटा हुआ कैसे होता है? तोड़ा जाता है उसको, चटकता है ना दो दिन में बदलता है, राजस्थान में बढ़िया चलता है। ये मक्का रोटी से खा रहा है अभी बढ़िया। आपको कौन सी पसंद है, आप कौन सी खाते हैं सबसे ज्यादा? सभी रोटी पसंद है मैडम। अच्छा, कब से बना रहे हो आप? सीखा है बढ़िया, कब वो बना रहे हैं ना, ये 5 साल से बना रहे हैं। चूल्हा भी बिल्कुल मुझे थोड़ा अलग तरह का लग रहा है, ये कैसा चूल्हा? गैस। आपकी दुकान का नाम क्या है? अपना राजस्थानी व्यंजन है, पूरी बाटी होती है, इसको घी में क्यों डुबो के रखते हैं? बढ़िया सॉफ्ट रहेगी खाने की, बढ़िया आनंद आता है। मसाला बाटी इडली पूरे, लहसुन चटनी, कड़ी, दाल, बेसन गट्टे की सब्जी, गेहूं चूरमा, बेसन चूरमा। तो भैया दिन की कितनी प्लेट लगा लेते हो आप, कुछ आपको अंदाजा है? 300 प्लेट। और हाथ हमेशा इतनी तेजी से ही चलता है? चलता है हरदमी मैडम। ये राजस्थान की जो कड़ी होती है ये बिल्कुल अलग होती है, देखो इसमें हल्दी नहीं डाला जाता है। ये क्या है जो आप रख रहे हो? गुलाब चूरमा है मैडम। तो 3 आते हैं ये एक में? हाँ जी, ये 220 की थाली। ये हो गया टिपोरे, ये डाल दी लहसुन चटनी, ये डाल दी आपकी दाल, ये बेसन गट्टे की सब्जी है, ये हो गया करी आपकी, ये हो गया आपकी गुलाब चूरमा, ये हो गया गेहूं चूरमा, दाल बाटी चूरमा हमारा भैया सूरमा, दाल बाटी चूरमा हो गया आपकी, ये 2 सादा बाटी है, ये मसाला बाटी है, इसमें आलू मटर भरा रहता है, थाली रेडी हो गया। ये राजस्थान की मशहूर दाल बाटी चूरमा तैयार है भैया। तो भाई मुझे एक बात तो पसंद नहीं आई हमें तो? मैडम 100% पसंद आवे चीज देसी खिला रहा हूँ, ऐसे घसर पसंद नहीं है। हाँ। आनंद लेके राजस्थान में आके मैंने दाल बाटी चूरमा नहीं खाना, तो मैंने कुछ नहीं किया, तो मेरा मन था कि यार यहाँ पे आके ना ऑथेंटिक जो राजस्थानी टेस्ट होता है ना वो लिया जाए। मैं सीधा आ गई हूँ मसाला चौक में, मजेदार जगह है, यहाँ पे ना बहुत सारी आपको राजस्थान की मिक्स कुजीन की फूड आइटम्स मिल जाएंगी। मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो पसंद आया दाल बाटी चूरमा। तो मैं बता देती हूँ मेरी प्लेट में क्या है, 220 रुपए की प्लेट रहने वाली है। इसमें यहाँ पे देखिए, ये हमारी दाल, ये है हमारी प्लेन बाटी, ये मसाला बाटी और ये चूरमा। चूरमा मुझे 2 तरह का मिला है, इसमें ये है गेहूं चूरमा और ये है रोज चूरमा, जिसकी खुशबू बहुत ज्यादा लाजवाब आ रही है। और इसे बोलते हैं यहाँ पे मिर्च का टीकड़ा, ये है हमारी लहसुन की चटनी, यहाँ पे थोड़ी सी पतली दाल रहती है, और ये है हमारी फेमस गट्टे की सब्जी, और ये देखो कड़ी। तो भाई आप बोलोगे हमारे दिल्ली वाली जो पंजाबी कड़ी होती है ना, ये तो वो नहीं दिख रही है, तो आपको छाछ दिख रही है, लेकिन यहाँ पे कड़ी को बिना हल्दी के कम बेसन के साथ बनाया जाता है। तवे में रोटी बनते हुए तो मैंने बहुत बार देखा, लेकिन आधे टूटे हुए मटके में यहाँ पे रोटी बनाई जा रही थी, दिखने की इतनी ज्यादा जबरदस्त लग रही थी। ये देखो इस तरह की इतनी बड़ी ये रोटी रहती है, पूरी की पूरी जिसे कहते हैं ना घी में डिप्ड रोटी है, अच्छा खासा इसका वेट है। तो भाई ये देखो, सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगी, पूरे घी में डिप्ड है ये है हमारी बाटी, इसमें पूरा प्रॉपर डिप करते हैं अच्छे से। तो इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके बता दूँ स्वाद कैसा है। मजा आ गया सच में खा के। दाल ना थोड़ी सी नॉर्मल स्पाइसी है, जो बाटी है ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मसाले भर भर के हैं उसमें। दूसरा जो मैं ट्राई करने जा रही हूँ, मेरे को ना बाजरे की रोटी खाने का बड़ा मन था, तो उसको हम यहाँ पे ट्राई करते हैं ये गट्टे की सब्जी के साथ। ये रही हमारी गट्टे की सब्जी, फ्लेवर बहुत ज्यादा मजेदार है। एंड में जो मैं ट्राई करूंगी वो ट्राई करूंगी नॉर्मल चूरमा, मैंने खा रखा है, गुलाब रोज चूरमा मैंने नहीं खाया, दिखने में इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, जो उसमें से खुशबू आ रही है ना बहुत ज्यादा मजेदार आ रही है। मैंने इस तरह का कभी कुछ नहीं खाया, पूरा गुलाब का फ्लेवर आ रहा है, टोटल बहुत ही 2 बंदे आराम से खा सकते हैं। मेरे कहने पे ना अगर जयपुर आ रहे हो थोड़ा सा टाइम निकालो और मसाला चौक में आके इसको ट्राई करो। तो मैं यहाँ पे इसको एंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगर कुछ रहना है तो मीठे खाते रहिए।